हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू मनी नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नया टॉपिक, इलेक्ट्रिकल केबल इन माइंस। माइंस में कितना टाइप का इलेक्ट्रिकल केबल्स यूज होता है, उसके स्पेसिफिकेशंस, कंस्ट्रक्शंस, कहाँ पे यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, इसका डिटेल्स जानकारी ले लेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल केबल्स यूज इन माइंस। इलेक्ट्रिकल केबल्स जो माइंस में यूज किया जाता है वो कितना, कुछ फैक्टर्स का ऊपर, कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स का ऊपर डिसाइड करके उसको यूज किया जाता है, और डिसाइड किया जाता है कहाँ पे किस टाइप का केबल यूज किया जाएगा। तो वो डिसाइडिंग और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर क्या क्या है? इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है टोटल करेंट रिक्वायरमेंट्स, कितना करंट का रिक्वायरमेंट होता है मेरा अंडरग्राउंड माइंस में कोई सेक्शन में, टाइप्स ऑफ करंट रिक्वायर्ड, एसी करंट रिक्वायर्ड या डीसी करंट रिक्वायर्ड उसका ऊपर, टाइप्स ऑफ मशीन्स यूज्ड, किस टाइप का मशीन्स यूज हो रहा है उसका कितना वोल्टेज रिक्वायरमेंट है, लोकेशन फ्रॉम सरफेस सबस्टेशन और फ्रॉम अंडरग्राउंड सबस्टेशन, कितना दूरी में मशीन चल रहा है अंडरग्राउंड सबस्टेशन से या सरफेस सबस्टेशन से कितना दूरी में मशीन चल रहा है, लेंथ ऑफ केबल रिक्वायर्ड, कितना केबल का जरूरत है, ये सब इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर का ऊपर डिपेंड करके मेरा केबल कौन सा केबल यूज करेंगे, ये सब डिसाइड होता है और उसके बाद यूज किया जाता है। अब देख लेते हैं कितना टाइप का केबल्स माइंस में यूज होता है। टाइप्स ऑफ केबल यूज इन माइंस, मेनली तीन टाइप का केबल यूज होता है अंडरग्राउंड माइंस में, वो है परमानेंट केबल, सेमी फ्लेक्सिबल केबल एंड फ्लेक्सिबल केबल। परमानेंट केबल दिस टाइप ऑफ केबल्स मेनली यूज इन शाफ्ट एंड रोडवे के लिए मेनली परमानेंट टाइप का केबल यूज किया जाता है। ये हैंडलिंग बहुत कम होता है और एक तरह से इसको परमानेंटली रखा जाता है और ये लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए यूजबल है। दीज आर आर्मर टाइप एंड मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लाइक इंसुलेशन के ऊपर डिपेंड करके परमानेंट केबल भी डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, जैसे पेपर इंसुलेटेड, वल्कनाइज्ड बिटुमिन शीट इंसुलेटेड एंड कंपाउंड इंसुलेटेड। डिफरेंट इंसुलेशन के ऊपर डिपेंड करके परमानेंट केबल, ये तीन टाइप का जनरली यूज होता है अंडरग्राउंड माइंस में। अब देखिए सेमी फ्लेक्सिबल केबल, दो नंबर टाइप सेमी फ्लेक्सिबल केबल। सेमी फ्लेक्सिबल केबल के दिस टाइप ऑफ केबल हैज़ 3 कॉपर कोर्स, कभी कभी ये 4 कॉपर कोर्स भी यूज होता है, 3 कॉपर कोर्स यूजुअली यूज होता है, कभी कभी 4 कॉपर कोर्स भी यूज होता है अर्थिंग पर्पस के लिए। और हर एक जो कोर है वो वल्कनाइज रबर इंसुलेटेड है, और जो वल्कनाइज रबर इसका अराउंड में जुड़ा हुआ रहता है इंसुलेशन के लिए। दीज आर अगेन शीथ्ड विद रबर टू गिव सर्कुलर कंस्ट्रक्शन, सर्कुलर कंस्ट्रक्शन देने के लिए इसको रबर से, इसका ऊपर रबर से क्या करता है, इसके अराउंड में एक शीथ दिया जाता है, लेयर दिया जाता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आर्मर वेयर, टू गिव द मैकेनिकल स्ट्रेंथ इट इज़ आर्मर्ड विद स्टील वेयर एंड फाइनली ओवरऑल शीथ विद टफ रबर और PCB। इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, हार्ड बनाने के लिए इसका ऊपरी सरफेस में स्टील का वायर दे के इसको लेयर दिया जाता है। और क्या होता है, ये स्ट्रेंथ ज़्यादा यूज करने के लिए होस्टाइल कंडीशन में, अंडरग्राउंड माइंस में रफ यूज करने के लिए, इसको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए केबल के ऊपर स्टील वायर दिया जाता है एक लेयर, और फाइनल इसके ऊपर ओवरऑल एक रबर का या PCB का लेयर दिया जाता है, उसको सिद्ध किया जाता है जब फाइनली सेमी फ्लेक्सिबल केबल बनता है तब। अब चलिए थर्ड टाइप का केबल देख लेते हैं, फ्लेक्सिबल केबल। फ्लेक्सिबल केबल्स, देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्लेक्सिबल केबल वेयर इट शुड बी यूज। फ्लेक्सिबल केबल जो यूज करते हैं उसका कुछ फीचर्स है, उसका कुछ स्पेसिफिकेशन से जो रिक्वायरमेंट है फ्लेक्सिबल केबल के लिए, चलिए देखते हैं। इट मस्ट बी वेरी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल केबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लाइट इन वेट, लाइट वेट होना चाहिए, वाटर प्रूफ इन नेचर, मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग एंड फायर रेजिस्टिव, ये सब करेक्टरिस्टिक्स फ्लेक्सिबल केबल के अंदर होना चाहिए ऑपरेशंस के लिए। टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल केबल्स इन माइंस, फ्लेक्सिबल केबल्स कितना टाइप का यूज होता है माइंस में। फ्लेक्सिबल केबल्स यूज इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ माइंस आर ऑफ टू टाइप्स मेनली, दो टाइप का ही यूज होता है फ्लेक्सिबल केबल, ट्रेलिंग केबल्स एंड प्लाईवेल वायर आर्मर केबल्स। ट्रेलिंग केबल्स के
मेजर मॉडर्न माइनिंग द मेजोरिटी ऑफ मॉडर्न ट्रेलिंग केबल्स आर फाइव कोर्स कोर्स आर ऑलवेज इंसुलेटेड विथ ए सिंथेटिक इंसुलेशन सच एज CSP क्लोरोसल्फोनेटेड पॉलीएथिलीन। फाइव कोर का ही ज़्यादातर ट्रेलिंग केबल यूज होता है, जिसमें तीन है पावर केबल पावर कोर, एक अर्थिंग के लिए और एक होता है पायलट के लिए। टोटल फाइव कोर यूज होता है और ये इंसुलेटेड दिया जाता है। इसके ऊपर CSP क्लोरो सल्फोनेटेड पॉलीथिलीन और ERP इथिलीन पॉलीएथिलीन प्रोपिलीन रबर, ये दोनों टाइप का ही इंसुलेशन इसके ऊपर यूज किया जाता है। द सिंथेटिक कंपाउंड CSP इज हार्डर इंसुलेटिंग कंपाउंड देन रबर। CSP ERP से ज़्यादा हार्डर होता है सिंथेटिक कंपाउंड और इट इज़ मोर रेजिस्टेंट टू पेनिट्रेशन बाय ब्रोकन कोर और स्क्रीन वेयर्स। तो हार्ड होने के चलते इसका ऊपर जो तार स्टील वेयर का हम लोग इसका स्टील वेयर का जो लेयर यूज करता है, ये इसमें इसका अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गया ट्रेलिंग केबल का CSP जो लेयर यूज करते हैं इंसुलेटेड मटेरियल्स, ये ज़्यादा यूजफुल है। इन सम केसेस कोर्स आर लेड इन स्पायरल अबाउट सेंटर कर्डल। द स्पायरल इज फेयरली टाइट पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ ड्रिल केबल्स सो दैट द केबल कैन फ्लेक्स इजीली विदाउट इम्पोजिंग स्ट्रेसेस ऑन द इंडिविजुअल्स कोर्स। कभी कभी क्या होता है, ये कोर्स जो रहता है उसको इंडिविजुअली रखा जाता है, कभी कभी इसको स्पायरल फॉर्म में तीन कोर या फाइव कोर सब कोर को स्पायरल फॉर्म में अरेंजमेंट करके उसको रखा जाता है, जिसमें इसको फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा मिलता है। इसीलिए इन अदर्स आइदर द पायलट और द अर्थ कोर्स रन्स इन द सेंट्रल कर्डल विद द अदर कोर्स लेड अप अराउंड इट। अवेलेबल साइज ऑफ द ट्रेलिंग केबल्स यूज इन द माइंस आर 16 mm² 13 mm² 95 mm². डिफरेंट साइज का ट्रेलिंग केबल यूज हो सकता है और यूज होता है ज़्यादातर केसेस में 16, 35, 95 और इवन मोर एज पर रिक्वायरमेंट क्रॉस सेक्शनल मिलीमीटर क्रॉस सेक्शन का ट्रेलिंग केबल यूज हो सकता है और यूज होता है डिफरेंट माइंस में। अब ट्रेलिंग केबल का जो फ्लेक्सिबल केबल का दूसरा टाइप है प्लाईवेल वायर आर्मर केबल। प्लाईवेल वायर आर्मर केबल्स दिस केबल कंसिस्ट ऑफ 3 or 4 कोर्स विथ सिंथेटिक इंसुलेशन ऑन द कोर्स। 3 or 4 कोर का केबल रहता है उसमें और इंसुलेशन मटेरियल्स रहता है सिंथेटिक टाइप का इंसुलेशन मटेरियल्स इसमें रहता है। जो सिंथेटिक इंसुलेशन यूज करता है वो हो सकता है CSP क्लोरी सल्फोनेटेड पॉलीएथिलीन और हो सकता है EPR इथिलीन इथिलीन प्रोपिलीन रबर। CSP यूज हो सकता है और EPR यूज हो सकता है। कभी कभी CSP और EPR दोनों यूज करता है 1.1 kV और 1100 वोल्टेज तक पावर सप्लाई हैंडल करने के लिए। कभी कभी CSP का ऊपर EPR यूज कर सकता है एज इंसुलेशन मटेरियल्स। फॉर केबल सपोर्टिंग सिस्टम इन एक्सेस ऑफ 1100 वोल्ट एंड अप टू 6.6 kV और यानी 6600 वोल्ट्स द कोर इंसुलेशन इज ब्यूटाइल और EPR इथिलीन प्रोपिलीन रबर। अगर 1100 से ज़्यादा वोल्टेज एक्सीड कर जाता है अप टू 6.6 kV तब जो इंसुलेशन मटेरियल यूज करता है वो ब्यूटाइल और EPR होता है इथिलीन प्रोपिलीन रबर। लेकिन 1100 वोल्टेज से कम होता है तब CSP और EPR कोई भी यूज कर सकता है। द कोर्स लेड ऑफ अराउंड सेंटर दे आर देम इनक्लोज्ड इन इनर सेथ PCP द फॉर्म द आर्मर इन फैक्ट कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ फ्लेक्सिबल गल्वनाइज स्टील स्टैंड्स लेड ऑफ इन ए स्पायरल ओवर द इनर सीथ द केबल इज कवर्ड ओवरऑल बाय सीथ PCP। ये कोर्स जो रहता है 3 or 4 एक सेंट्रल कर्ल का अगेंस्ट में अरेंज करके इसको दिया जाता है और इसका अंदर जब फ्लेक्सिबल गल्वनाइज स्टील स्टैंड्स रहता है जो इसका सराउंड में दिया जाता है इसका फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए इसके ऊपर PCP कवर सीध कवर दिया जाता है। कितना साइज का फ्लाईवेल आर्मर केबल यूज होता है
ज़्यादातर मेंस में अवेलेबल साइज जो है 16 मिलीमीटर स्क्वायर, 35 मिलीमीटर स्क्वायर, 50 मिलीमीटर स्क्वायर, 70 मिलीमीटर स्क्वायर, 95 मिलीमीटर स्क्वायर, 120 मिलीमीटर स्क्वायर टाइप प्राइवेट वायर आर्मर केबल यूज होता है और देखने को मिलता है एज पर रिक्वायरमेंट और एज पर मशीनरी यूज डिफरेंट माइंस में और डिफरेंट प्लेसेस में यूज हो सकता है इस टाइप का क्रॉस सेक्शन का केबल। हम चलिए एसी और डीसी केबल्स एज पर रिक्वायरमेंट कभी अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट जहाँ पे जैसे ज़रूरत है उस हिसाब से केबल भी रिक्वायरमेंट होता है। जैसा फाइव कोर्स एसी केबल, फाइव कोर्स एसी केबल का थ्री जो होता है पावर केबल्स होता है, वन पायलट केबल पायलट कोर के लिए और अनदर अर्थ कोर। ईच ऑफ द पावर कोर्स आर गल्फनाइज रबर इंसुलेटेड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल साइज। हर एक जो कोर है वो गल्फनाइज रबर से इंसुलेटेड किया रहता है। आफ्टर दिस थ्री कोर्स आर लेड अराउंड रबर सेंटर एंड सीथ विथ टफ रबर ओवरऑल देम सीथ विथ पीसीबी। तीन कोर जो है इसको एक साथ ओवरऑली रबर का द्वारा सिद्ध किया जाता है और ओवरऑली पीसीपी द्वारा इसको फाइनली सिद्ध किया जाता है। जो हम लोग केबल फाइनल केबल आउटपुट और फाइनल फॉर्मेशन का पहले अब देखिए थ्री कोर्स डीसी केबल, थ्री कॉपर कोर्स व्हिच सिद्ध विद वल्कनाइज रबर इंसुलेशन, ऑल दीज आर लेड अराउंड रबर सेंटर ओवर व्हिच सिद्ध विद पीसीपी कंपाउंड। फाइव कोर्स एसी केबल के लिए जैसे फाइव कोर्स रहता था, डीसी सप्लाई के लिए थ्री कोर्स डीसी सप्लाई के लिए तीन पावर केबल और उसको वल्कनाइज रबर इंसुलेशन का ऊपर फिर पीसीपी कंपाउंड दिया जाता है ओवरऑल सिद्धिंग के लिए फाइनल कंस्ट्रक्शन के लिए। ये हो गया एसी और डीसी केबल कंस्ट्रक्शन। स्क्रीनिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है केबल्स का। डिफरेंट टाइप्स का जो केबल यूज करता है मॉडर्न द मेजोरिटी ऑफ मॉडर्न ट्रेलिंग केबल्स आर ऑफ द इंडिविजुअल स्क्रीन टाइप वेयर द स्क्रीन्स आर अर्थ। मैक्सिमम ट्रेलिंग केबल्स जो यूज करते हैं हम लोग माइंस में वो इंडिविजुअली स्क्रीन है, कभी कभी ये कलेक्टिवली स्क्रीन भी हो सकता है। द स्क्रीन प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन फॉर द केबल्स फ्रॉम एक्सीडेंटल डैमेज एंड पेनिट्रेटेड बाय मेटालिक ऑब्जेक्ट। ये देख रहा है आपको तीन कोर जो है, तीन कोर कलेक्टिवली स्क्रीन है, सेपरेटली स्क्रीन, उसके बाद कलेक्टिवली स्क्रीनिंग किया गया है जो कि एक कोई भी एक मेटालिक कंपाउंड मेन लाइव कोर का अंदर पेनिट्रेट होने का पहले इसको अर्थ फॉल प्रोटेक्शन दे देता है और डैमेज से बचाता है। द ऑब्जेक्ट विल फर्स्ट मेक कॉन्टैक्ट विद द अर्थ स्क्रीन बिफोर टचिंग द लाइव कोर। लाइव कोर टच करने के पहले ये स्क्रीनिंग जो रहता है उसको टच करता है और शॉर्ट सर्किट देयर फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्ट सर्किट बिटवीन लाइव कोर्स इज ग्रेटली रिड्यूस्ड एंड द अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन विल डिटेक्ट एन अर्थ फॉल्ट एंड ट्रिप विल कंट्रोलिंग गेट एंड बॉक्स बिफोर द शॉर्ट सर्किटिंग इज मेड। यानी मेन लाइव कोर्स का कोई भी मेटालिक कंपाउंड या थिंग्स लाइव कोर में टचिंग होने का पहले जो स्क्रीनिंग दिया रहता है स्क्रीनिंग में टच कर जाता है और पावर ट्रिप करके अर्थ फॉल प्रोटेक्शन जो रहता है उसके दौरान पावर को ट्रिप कर देता है और कोई मेजर एक्सीडेंट और इंसिडेंट से प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गया स्क्रीनिंग का एडवांटेजेस केबल के अंदर। अब देख लेते क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेज। जो वोल्टेज सप्लाई हम लोग देते हैं डिफरेंट मशीन्स के लिए डिफरेंट सेक्शन में, तो उसको डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं और किया जाता है एज पर इंस्ट्रूमेंट और प्लांट रिक्वायरमेंट। क्लासिफिकेशन वोल्टेज क्या है, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज किसको कहा जाता है, इफ़ द वोल्टेज सप्लाइड इज लेस देन 250 वोल्ट देन इट इज़ कॉल्ड लो वोल्टेज। लो वोल्टेज 250 वोल्ट से कम होने से इसको लो वोल्टेज कहा जाता है। मीडियम वोल्टेज, दिस इज द वोल्टेज रेंज ऑफ 250 से 650 वोल्टेज तक वोल्टेज रेंज को कहा जाता है मीडियम वोल्टेज। हाई वोल्टेज किसको कहा जाता है, इफ सप्लाई वोल्टेज इज इन द रेंज ऑफ 650 to 3.3 kV यानी 650 वोल्ट से 3300 वोल्ट या 3300 वोल्ट तक उसको कहा जाता है हाई वोल्टेज। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 3300 से लेके 3300 kV तक जो वोल्टेज सप्लाई है उसको कहा जाता है हाई वोल्टेज।
तैंतीस सौ से लेके 3.3 33 kV, 33 kV तक, 3.3 से 33 kV तक इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है 3.3 से 33 kV, हाई वोल्टेज है 650 से 3.3 kV, मीडियम वोल्टेज है 250 से 650 वोल्टेज, और लो वोल्टेज है लेस देन 250 वोल्टेज। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ वोल्टेज क्या है? फॉर ट्रांसमिशन पावर इनटू माइन शुड बी विद इन 11 kV। माइंस में ट्रांसमिशन के लिए मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो 11 kV के अंदर ही होना चाहिए, 11 kV से ज़्यादा नहीं होना चाहिए माइंस में ट्रांसमिशन के लिए। फॉर यूज इन माइंस, माइंस में यूज मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो हो गया, वो होता है 6.6 kV। 6.6 kV यूज के लिए हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और मैक्सिमम अलाउबल वोल्टेज यूज के लिए 6.6 kV है, लेकिन ट्रांसमिशन के लिए अलाउबल मैक्सिमम वोल्टेज है 11 kV। यानी हम लोग सर्विस सेंटर का उनको सब स्टेशन 11 kV तक ले जा सकता है, लेकिन यूज के लिए वो मैक्सिमम 6.6 kV हम लोग यूज कर सकता है कोई भी मशीनरी ऑपरेटिंग के लिए। मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ ऑफ ट्रेलिंग केबल्स, ट्रेलिंग केबल्स जो यूज करते हैं हम लोग डिफरेंट पर्पस के लिए, डिफरेंट मशीन के लिए, तो उसका कुछ परमिसिबल लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ है, चलिए उसको देख लेते हैं। इन नॉर्मल अंडरग्राउंड माइंस मैक्सिमम केबल लेंथ इज 90 मीटर। कोई भी मशीनरी जैसा हो गया कोडबोल्ट जैसा हो गया, एलएसडी एसडीएल सब मशीनरी के लिए नॉर्मल यूज के लिए मैक्सिमम केबल लेंथ की तरह है 90 मीटर। अंडरग्राउंड मैकेनाइज माइनिंग ऑपरेशन लाइक लॉन्ग हॉल कंटिन्यूस माइनर शटल कार ये सब जो एलएसडी ट्रेलिंग केबल शुड बी नॉट मोर देन 250 मीटर। इन मैकेनाइज माइंस में डिफरेंट मशीनरी लॉन्ग हॉल हो कंटिन्यूस माइनर हो शटल कार ये सब के लिए मैक्सिमम जो केबल लेंथ हम लोग यूज करते हैं वो 250 मीटर है। इन ओपरकास्ट माइनिंग ऑपरेशन ट्रेलिंग केबल लेंथ शुड बी नॉट मोर देन 300 मीटर्स। ओपन कास्ट में जो ट्रेलिंग केबल हम लोग यूज करते हैं वो 300 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। फॉर हाई वोल्टेज ऑपरेटेड मशीन्स लाइक हाई वॉल माइनिंग बकेट व्हील एक्सकवेटर केबल लेंथ शुड बी 1000 मीटर परमिटेड लिमिट। कोई हाई वोल्टेज मशीन्स हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी के लिए मैक्सिमम केबल लेंथ है 1000 मीटर। सम अदर स्पेशल लिमिट्स, कुछ वोल्टेज लिमिट्स स्पेशल जो अपैरेटस इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कुछ स्पेशल वोल्टेज का स्पेसिफिकेशन स्टेट्यूटरी प्रोविजंस में दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। हैंड हेल्ड पोर्टेबल अपैरेटस का वोल्टेज लिमिट है 125 वोल्ट। यानी हैंड हेल्ड पोर्टेबल अपैरेटस वोल्टेज लिमिट शुड बी विद इन 125 वोल्ट, 125 वोल्ट से कम होगा, से ज़्यादा नहीं होगा हैंड हेल्ड कोई भी पोर्टेबल अपैरेटस के लिए। लाइटनिंग इन अंडरग्राउंड माइंस शुड बी विद इन 125 वोल्ट। लाइटनिंग पर्पस के लिए जो यूज करते हैं हम लोग वो 125 वोल्ट होता है। लाइटनिंग इन ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशंस और सरफेस ऑफ एनी माइंस विद इन 250 वोल्ट। ओपन कास्ट माइनिंग के लिए सरफेस के लिए जो लाइटनिंग अरेंजमेंट यूज किया जाता है, यानी लाइटनिंग इन ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशंस और सरफेस ऑफ एनी माइंस, कोई भी माइंस का सरफेस ऑपरेशंस के लिए और ओपन कास्ट माइनिंग के लिए जो लाइटनिंग अरेंजमेंट किया जाता है वो मैक्सिमम 250 वोल्ट तक अलाउबल है। पोर्टेबल हैंड लैंप इन अंडरग्राउंड माइंस इज विद इन द वोल्टेज ऑफ 30 वोल्ट। जो पोर्टेबल हैंड लैंप यूज करता है उसका मैक्सिमम वोल्टेज है 30 वोल्ट। रिमोट कंट्रोल एंड पायलट सर्किट ऑपरेशन वोल्टेज लिमिट इज 30 वोल्ट। रिमोट कंट्रोल कोई स्विच हो या पायलट सर्किट हो उसका ऑपरेशन वोल्टेज लिमिट 30 वोल्ट से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह हो गया हमारे स्टेटटरी कुछ मैक्सिमम लिमिट वोल्टेज लिमिट और वोल्टेज स्पेसिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। क्या ना?